तो यार गेमिंग हेडफोन की बात करें तो यार बहुत फ्रीक्वेंट मिलते हैं, बहुत दामों में मिल जाते हैं। बट यार आज अगर हम अमेजोन पे टाइप करते हैं तो सबसे पहले मिलता है हमें कॉस्मिक का बाइट। स्टार्टिंग रेट बोले तो 600 से 900 के अंदर आपको ये देखने के लिए मिल जाएंगे। नए नए कलर्स हैं, ब्लू है, रेड है, येलो है, बहुत सारे। मैंने ले लिया रेड वाला। अब मैंने यहाँ पे टेस्ट करना चाहता था क्या ये रियली लेना वर्थ इट रहेगा कि नहीं लेना होगा। तो आइए जानते हैं पूरी डिटेल में, ए टू जेड बात करेंगे इसे लेना है कि नहीं लेना है। ओवर द ईयर है, कान पे कंफर्ट लेवल की बात करते हैं। सबसे पहले कंफर्ट लेवल की बात करें तो जो क्वेश्चन होते हैं वो ठीक है, वेरिएंट है, मतलब मैं बोल सकता हूँ एक साल के बाद वो फट जाएगा। जाहिर सी बात है, एक साल नहीं 6-7 महीने में फट जाएगा, ये जाहिर सी बात है। क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है, अप्रिशिएबल बोल सकते हैं, यानी कि फट जाएगा ज़्यादा टाइम तक अगर आप उसे यूज़ करोगे तो। कॉस्मिक बाइट का साउंड की बात करें तो यार साउंड भी एवरेज है, मुझे उतना खास इसमें मिला नहीं। हालांकि जब ओवर द ईयर में जब अगर हम साउंड क्वालिटी बात करें तो बहुत अच्छा मिलना चाहिए, क्योंकि वो कान के ऊपर से अच्छे से कवर करता है, तो साउंड क्वालिटी बहुत ही सेक्सी आना चाहिए, बट वो नहीं आया मेरे को। नॉइस कैंसलेशन की बात करें तो जैसे मैंने वाला कुशन्स है तो कानों को ऊपर से पकड़ लेता है, तो साउंड बाहर की आवाज़ से नहीं आनी चाहिए, नॉइस कैंसलेशन जाहिर सी बात है। बट यहाँ पे इसे भी मैं एवरेज ही दूंगा। 3.5 mm जैक आपको इसमें देखने के लिए मिलता है। कंफर्ट लेवल की मैंने जैसे बात कर दी। अब यहाँ पर बस एक इसका खासियत है कि आप इसे लंबे टाइम तक यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये कुशन है, और जैसे मैंने बोला 6-7 महीने आराम से यूज़ कर सकते हो, बट फिर कुशन जब फट जाएगा तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेगा। माइक की बात करें, क्योंकि इसमें इनबिल्ट माइक है, मतलब आप हेडफोन के नीचे से माइक मिलता है आपको, तो माइक की बात करें तो माइक भी एवरेज है। मतलब आप जो बात करेंगे आपका वॉइस तो वो एडिट करेगा ही करेगा, ऐसा नहीं कि बाहर का सराउंडिंग कैंसिल करेगा करेगा, अगर उसके ऊपर का अगर आप रेड कार्ड रखे हो तो ठीक है, मतलब नॉर्मल डिसेंट सा है। कॉस्मिक बाइट अगर आपको गेमिंग के लिए लेना है तो आप इसे फ़ोन में भी यूज़ कर सकते हो, डेस्कटॉप में, किसी में भी यूज़ कर सकते हो। दाम भी ठीक ही ठाक है, इतने में आपको इतना मिल रहा है, ठीक है, एवरेज है, इतना ये नहीं कह सकते कि यार बहुत ही अप टू द लेवल है, बट ठीक है। वायर्ड वाला है, वायर भी लेंथ भी आपको अच्छा खासा देखने के लिए मिलता है, वायर की क्वालिटी भी ठीक ठाक देखने के लिए मिलती है, और इसकी जो ब्रांड यानी कि जो मेन हेडफोन की बात करें, इसकी प्लास्टिक मटेरियल है वो तो नो डाउट है, बट ठीक है, प्लास्टिक भी अच्छी खासी हार्ड प्लास्टिक यूज़ किया हुआ है, बट ठीक है, ओवरऑल देखा जाए तो ठीक है। बट क्वेश्चन का मेरे को मतलब फटने के ज़्यादा चांसेस दिखते हैं हमेशा के हमेशा, क्योंकि वही मेन होता है, 6-7 महीने के बाद वो मुझे लग रहा है फट जाएगा, तो फिर आपको उसके लिए आपको कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा। बट ओवरऑल देखा जाए तो ठीक है, एवरेज कहूँगा। और अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है तो आप कमेंट करके बताइए, यार ये बहुत सेक्सी है, बहुत अच्छा है, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कमेंट डाउन में, मेरे को नहीं दूसरे को भी हेल्प होगा, सबको हेल्प होगा। और इतना ही करते हैं, छोटा सा वीडियो था, और भी कोई वीडियो आपको देखना है तो आप वीडियो देख सकते हो आप मेरे चैनल पे, और आई बटन पे भी मैंने कुछ वीडियोस मैंने ईयरबड्स के या हेडफोन के डाले हुए हैं, तो आप देख सकते हो आपको कौन सा और कंपेयर करना है, ये अच्छा है कि वो अच्छा है, तो आप देख सकते हो या मेरे चैनल को चेकआउट कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक दे दो, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।